अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आज आई एम गोइंग टू मुंबई, हमारा कंपनी का ट्रेनिंग है, सोचा कि छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ, ट्रैवलिंग फ्रॉम पालेज टू मुंबई। सो सबसे पहले मैं पालेज के अंदर रेलवे स्टेशन पे हूँ और मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे जो ट्रेन पकड़ना है वो ट्रेन का स्टॉप नहीं है, तो मैं भरूच से वो ट्रेन पिक करूँगा। मैंने भरूच से बोर्डिंग करवाया है, तो चलिए पहले टिकट लेते हैं सयाजी का। मैडम, एक सयाजी भरूच 45। और फाइनली मैंने टिकट ले लिया है सयाजी का। अभी मुझे वेट करना पड़ेगा ट्रेन का, ट्रेन का टाइम है 8:05 का, अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वेदर चेंज हो चुका है और बारिश शुरू हो चुकी है। यू कैन सी स्टेशन पे हूँ, बारिश शुरू हो चुकी है एंड देयर इज़ नो सेंस टू गो ऑन स्टेशन राइट नाउ, क्योंकि पूरा भीग जाऊँगा मैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं यहीं पे, उसके बाद चलेंगे आज। तो फाइनली आज बजने वाले हैं और ट्रेन का टाइम हो चुका है, पैसेंजर खड़े हो चुके हैं, मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे पैसेंजर हैं यहाँ पे। लेकिन बारिश अचानक से बहुत ज़ोर से शुरू हो चुकी है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक बारिश काफ़ी शुरू हो चुकी है और आज लगता है कि टुडे इज़ अ रेनी डे, इट्स लाइकली टू रेन फॉर होल डे। फाइनली जो ट्रेन है मुझे जिसमें भरूच जाना है वो ट्रेन का टाइम हो चुका है, वो ट्रेन आ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन इज़ अराइविंग ऑन साइडिंग, दिस इज़ द थिंग। लेट्स सी बट क्या करें, वी हैव टू ट्रैवल, सो देखते हैं ट्रेन कब आती है और कब यहाँ से चलती है। एक्चुअली बहुत लंबा रन है, ट्रेन का जो जनरल कोच है वो बहुत दूर आता है, तो हमें बहुत लंबा वॉक करना पड़ेगा, इसके लिए मॉर्निंग वॉक हो गया है तो मेरा। फाइनली दिस इज द ट्रेन, द सयाजी नगरी एक्सप्रेस। ये ट्रेन मुझे जाना है भरूच, सयाजी नगरी, उसके बाद भरूच से मैं ट्रेन पकड़ूंगा मुंबई के लिए। फाइनली मैं भरूच पहुंच चुका हूं, अब यहां से जो मेरा दूसरा ट्रेन है वो 9:30 का है, तो मुझे यहां पर एक 1 आवर का वेट करना पड़ेगा। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी है, से हाय माय ब्रो टू एवरीवन, हाय हाउ आर यू, और ये एक्चुअली ही इज़ वर्किंग एट भरूच ओनली, सो अभी यहीं पे रहेगा ये, और मैं यहां से जाऊंगा मुंबई। And there are two other friends who are coming from Ahmedabad. अभी एक घंटे का मुझे वेट करना है, टिल देन अभी स्टेशन पर मैं नहीं बैठ सकता, सो आई एम गोइंग समवेयर एल्स, तो सोचता हूँ कि कोई अच्छी जगह जाके वहाँ पर बैठ, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट द प्लेस, तो मिलता है उस प्लेस पे। सो फिलहाल हम लोग भरूच स्टेशन के बाहर निकले हैं, ये भरूच स्टेशन है हमारा, सी बिग स्टेशन, और ये इसका नियर बाई एरिया है भरूच का, और यहाँ स्टेशन के पास में ही एक दरगाह है, बाबा नसीरुद्दीन जमालुद्दीन औलिया सरकार की दरगाह है, वहाँ पर हम बैठेंगे। एंड जो दरगाह के मैंने बोला था कि नसीरुद्दीन जमालुद्दीन औलिया बाबा साहब की दरगाह है, तो जो मस्जिद का मेन एंट्रेंस है वो अभी बंद है, तो हम बैक साइड से जाएंगे मस्जिद के। मस्जिद के अंदर आ चुका हूँ और ये माशाल्लाह मस्जिद का हौज है, ये है माशाल्लाह बाबा की दरगाह, मस्जिद जमा रहे थे और यहाँ सब एक बाजार यहाँ पर और असली मज़ार यहाँ पर। सो फाइनली दरगाह शरीफ से मैं वापस स्टेशन पर आ चुका हूँ, बिकॉज मेरा ट्रेन का टाइम
ऑलमोस्ट हो गया है, हमारा ट्रेन इज अबाउट टू कम आफ्टर 10 मिनट्स, बट माई ट्रेन विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4. सो मुझे जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म क्रॉस करके. नाउ आई एम एट प्लेटफॉर्म नंबर 1. सो मुझे क्रॉस करना रहेगा. दिस इज रिस्की बट आई एम गोइंग टू टेक रिस्क बिकॉज ये बहुत लंबा ब्रिज है, तो मुझे लंबा ब्रिज एक्चुअली में नहीं क्लाइम करना. सो लेट्स मूव टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म. एक नंबर से 2 नंबर तक तो मैं क्रॉस करके आ चुका हूँ, बट मुझे आगे रिस्क नहीं लेना, तो मैं ये रैंप पे चल रहा हूँ. बिकॉज अगर पुलिस ने आगे से पकड़ लिया तो मुझे फाइन करना पड़ेगा. तो मैं अभी प्लेटफॉर्म क्रॉस करके फाइनली आई एम अराइव्ड एट प्लेटफॉर्म नंबर 4. बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन पब्लिक, मुझे थोड़ा सा हेसिटेशन फील हो रहा है. दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग इन पब्लिक, सो इफ आई डू एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव मी फ्रेंड एंड सपोर्ट मी. ऑलराइट, नाउ आई एम जस्ट फाइंडिंग द प्लेस वेयर आई हैव टू स्टैंड फॉर माई कोच. फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूँ प्लेटफॉर्म पर, बैठा हूँ वेटिंग फॉर ट्रेन. नाउ 9:22 and expected time is for 9:40. So let's wait for train. Finally, my train is arriving. Finally, मैं ट्रेन में चढ़ चुका हूँ. अभी C1 कोच भाई देखे एंट्री, बट अभी ट्रेन में नहीं पहुँच सकता क्योंकि मुंबई की ओर हमारा बुरुज है. मुंबई आने का भाई station, and from here we have to go to New Mumbai. But उसके लिए अब थोड़ा slow train करना पड़ेगा यहाँ से. तो अब चले टिकट लेने जा रहा है. So let's go for buy a new ticket for slow train. हम लोगों ने टिकट ले लिया दादर से पुणे के लिए. तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ से दादर से slow train कर लिया. नहीं जा रहे हैं यहाँ से पूर्णा, और पूर्णा से मेला को जाएंगे ना, पूर्णा से मेला में बैठाएंगे ट्रेन में. सो देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. तो हम कैसा लग रहा है आपको? बेलापुर पहुंच चुके हैं एंड यू कैन सी ये लोग फोटो में गिरी है. अभी यहाँ से हमको होटल पे जाना है. एक्चुअली हमें यहाँ से बाहर निकलना है लेकिन हमको आइडिया नहीं है, तो अभी मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट है उससे पूछूंगा जाकर. बस बाहर निकलने में कहाँ से निकलना है? यही मेन रोड सेक्टर 15 जाने का उस साइड. थैंक यू. सेक्टर 15 जाना है हमको, तो सेक्टर 15 के लिए एक रूट है जो हम सीधा जा रहे हैं अभी उस रोड पर. तो ये बेलापुर स्टेशन का बैक साइड है सेक्टर 15 का, और हम यहाँ से अभी बाहर निकलेंगे. निकलेंगे मीन्स हम निकले रहे हैं ऑलमोस्ट,
बट वी आर ट्राइंग टू बुक अ कैब और एल्स वी विल गेट अ ऑटो। हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, होटल अश्वित रेसिडेंसी के अंदर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं होटल रेसिडेंसी, अश्वित रेसिडेंसी पर। तो फाइनली हम लोग होटल पर पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं रूम में। देखते हैं, नंबर मेरा है 209, सो वेरी 209। ओके, सो दिस इज माई रूम। और शूट ऑल रूम आई एम शेयरिंग विद यू। लेट मी पुट माई बैग डाउन एंड माई अदर लगेज। This is working, na? Okay, okay. Thank you. So these are the facilities I get in this hotel. What's your name, brother? Rahul. Kumar. Nice to meet you, brother. ये राहुल कुमार है, यहाँ पे हमारे रूम सर्विस के लिए है। Thank you, brother. Thank you. अरे हमारे यहाँ पे the AC which I got and यहाँ का बड़ा हॉल टीवी है। Thank you.